अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास थ्री, टुडे आवर टॉपिक इज लेट्स लर्न के टर्टल। एंड टुडे वी डन थ्री क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स कैन यू रन द कमांड्स? कितनी डिफरेंट टाइप्स की स्पीड्स होती हैं जिनकी वजह से हम लोग कमांड को रन कर सकते हैं, उनकी स्पीड्स बतानी है, ठीक है? इसका आंसर क्या है? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स आर फुल स्पीड, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट एंड स्टेप बाय स्टेप। कौन कौन सी होती हैं? फुल स्पीड, फुल स्पीड में भी हम अपनी कमांड को रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। स्लो, आहिस्ता, बहुत आहिस्ता और थोड़ा सा आहिस्ता। एंड और स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता, मतलब एक एक स्टेप के ज़रिए भी हम लोग अपनी कमांड को चला सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन स्पीड इन के टर्टल? के टर्टल में डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन की स्पीड कैसी होती है, मतलब कितनी होती है? इसका आंसर क्या है? द डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन स्पीड इज़ फुल इन के टर्टल। डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन की स्पीड के टर्टल में फुल होती है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ कंसोल टेक्स्ट बॉक्स? कंसोल टेक्स्ट बॉक्स का फंक्शन क्या होता है? एंड आंसर इज़, वी एंटर अ वन लाइन कमांड ऑन द कंसोल टेक्स्ट बॉक्स। अगर हम लोग एक लाइन कमांड की एंटर करते हैं कंसोल टेक्स्ट बॉक्स में, एंड प्रेस द एंटर की, और एंटर की प्रेस करते हैं, और द एग्जीक्यूट बटन या फिर एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करते हैं टू रन इट, तो ये रन करता है, ये चल पड़ता है, ठीक है? कंसोल टेक्स्ट बॉक्स जो कमांड है ना, वो चलने लग जाती है। ये थ्री क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी पर लिखेंगे और याद भी करेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास थ्री, आप लोग पेज नंबर 34 ओपन करें। आज का हमारा उनवान क्या है? असातिज़ा के हकूक, ठीक है? इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि उस्ताद के क्या हकूक हैं। बेटा, आपको पता है कि उस्ताद के क्या क्या हकूक हैं, कि हम पे क्या फ़राइज़ हैं, कि हम अपने उस्ताद के साथ कैसे पेश आएँ। हम पे फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने उस्ताद की इज़्ज़त करें, उनका कहना माने, उनकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है? क्योंकि उस्ताद ही वो काबिले फ़ख्र इंसान होते हैं जो हमें इल्म सिखा कर एक काबिले इज़्ज़त इंसान बना देते हैं, ठीक है? अगर हमारे पास इल्म नहीं होगा तो हम क्या है कि अच्छे इंसान नहीं बन सकेंगे, ठीक है? और हमें इल्म कौन सिखाता है? उस्ताद ही हमें इल्म सिखाते हैं, ठीक है? इसी तरह हम पे भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी इज़्ज़त करें। और जैसे कि आप सब बच्चों को पता है कि आप लोग घर में होते हैं तो आपका एक रिश्ता अपने वालदैन के साथ बनता है, ठीक है? आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है आप अपने वालदैन से शेयर करते हो। इसी तरह जब आप लोग स्कूल में आ जाते हैं तो आपका एक रिश्ता अपने टीचर के साथ बन जाता है, ठीक है? जैसे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सबसे पहले किसको बताते हैं? अपने टीचर को बताते हैं, एक रिश्ता बन जाता है आप लोगों का। इसी तरह जो है इस्लाम में भी उस्ताद को रूहानी बाप कहा गया है, ठीक है? और हम पे फिर फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने उस्ताद का एहतराम करें, उनकी बात माने, ठीक है? तो चलें बेटा, आज हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सब बच्चे भी मेरे साथ रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? असातिज़ा के हकूक से मुराद वो बुनियादी सहूलतें और आसानियां हैं जो उस्ताद को अपने शागिर्दों और माशरे की तरफ से हासिल होती हैं। इस्लाम में उस्ताद का मकाम और मर्तबा बेहद बुलंद है, और इस बात का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उस्ताद को रूहानी बाप कहा गया है। उस्ताद वो काबिले फ़ख्र हस्ती है जो अपने शागिर्दों को इल्म सिखाकर इन्हें काबिले इज़्ज़त इंसान बना देती है। इसलिए शागिर्दों का फ़र्ज़ है कि उस्ताद की ज़िंदगी में उनके लिए दुआ हैर करते रहें, और उनकी ज़िंदगी के बाद उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगें, ठीक है? थ्री क्लास, आप लोगों ने इतनी जो है रीडिंग करनी है। अब आप लोगों को मैं बताऊँगी कि इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं हम उनके मायने करेंगे, ठीक है? तो आप लोग क्या करोगे, कॉपी कैसे रेडी करनी है? सबसे पहले इधर आप लोगों ने खुद ही दिन लिखना, आज का दिन क्या है, उसके बाद इधर तारीख लिखनी है, फिर आप लोगों ने लिखना है जमात का काम, उनवान क्या है, असातिज़ा के हकूक, फिर लिखोगे अल्फाज मायने, ठीक है? हकूक, इसका मायने क्या है? किसी की जायज़ ज़रूरत, ठीक है? फ़ख्र, गरूर। अतात, किसी का कहना मानना, ठीक है? जन्म देना, पैदा करना। बावकार, इज़्ज़तदार।
अफजल आला, शागिर्द तालिबेलम, सबूत दलील, बख्शिश माफ़ी। ठीक है, आप लोगों ने उस रीडिंग के साथ साथ ये अल्फाज मायने लिखने भी हैं और याद भी कर रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा लेसन इधर ही कंप्लीट होगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास थ्री, टुडे आवर टॉपिक इज़ अ गुड सिटीजन एंड वी हैव डन द रीडिंग ऑफ पेज नंबर 24 एंड 25 एंड टुडे वी विल रीड पेज नंबर 26। ओके, पॉइंट नंबर 4, बाय फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना। गुड सिटीजन्स नो वेल दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, अच्छे शहरी जानते हैं कि वो अपने अमाल के खुद जिम्मेदार होते हैं। इफ़ दे डू एनीथिंग रॉन्ग दे एक्सेप्ट, अगर वो कुछ भी गलत करते हैं तो दे एक्सेप्ट, वो मान लेते हैं देयर मिस्टेक्स, अपनी गलती, एंड मेंड देयर वेज, और दोबारा नहीं करते, मतलब किसी और पर नहीं डालते। गुड सिटीजन्स डू नॉट ब्लेम अदर्स, अच्छे शहरी जो होते हैं वो दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराते, दूसरों को ब्लेम नहीं करते। दे नेवर पुट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस ऑन द शोल्डर ऑफ अदर्स, और जो अच्छे शहरी होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ कभी भी किसी दूसरे के कंधों पर नहीं डालते। जैसे कि आप लोग, मैं आप लोगों को आप लोगों की ही मिसाल देती हूँ। आप लोग स्कूल में होते हैं तो जब कोई नीचे रैपर कोई बच्चा गिरा देता है, जब उसे बोला जाए कि आपने रैपर गिराया उठाएं, तो एक बच्चा कहता है नहीं मैंने नहीं गिराया, उसने गिराया। दूसरा बच्चा कहता है नहीं मैंने नहीं गिराया, उसने गिराया। ये आप लोग अपनी गलतियाँ किसी और पर डाल रहे होते हो ना, खुद अपनी मिस्टेक को नहीं एक्सेप्ट करते, नहीं मानते, तो किसी और पर डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक अच्छा शहरी ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट वन, पर्सनल ट्रेट्स ऑफ गुड सिटीज़न, अच्छे शहरी की खसूसियात, ज़ाती खसूसियात। वी हैव लर्न हाउ वी कैन डिमॉन्स्ट्रेट गुड सिटीज़नशिप, हम लोगों ने पढ़ा कि एक अच्छा शहरी कैसे बन सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट बींग अ गुड सिटीज़न ऑलवेज नेसेसिटेट्स सम गुड ट्रेट्स, ये हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो जो अच्छा शहरी होता है वो हमेशा अच्छी खसूसियात अपनाता है। ठीक है, हमेशा अच्छी खसूसियात रखते हैं। दीज ट्रेट्स आर दी हॉल मार्क ऑफ देयर पर्सनैलिटीज़, मतलब ये जो अच्छी खसूसियात होती हैं ये उसकी शख्सियत की शिनाख्त करती हैं। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी की शिनाख्त करती हैं। लेट्स आइडेंटिफाई दीज ट्रेट्स, चले इन खसूसियात को देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ट्रस्टवर्थीनेस, ट्रस्टवर्थीनेस कहते हैं एतमाद को। ठीक है, गुड सिटीजन्स ऑलवेज कीप देयर वर्ड एंड नेवर चीट एनीवन। ठीक है, अच्छे शहरी जो कहते हैं वो करते हैं, मतलब अपने अपने आप पर एतमाद करते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं, और किसी के साथ चीट नहीं करते, किसी के साथ धोखा नहीं करते। ठीक है, दे फुलफिल देयर प्रॉमिस, वो अपना वादा पूरा करते हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स, इन खसूसियात की वजह से, इन खसूसियात का नतीजा ये होता है एवरी वन ट्रस्ट देम, हर कोई उन पर ट्रस्ट करता है, हर कोई उन पर एतमाद करता है। जैसे कि आप लोग अगर झूठ बोलते रहेंगे किसी के साथ, ऐसे बात बात पे, अगर मुझे ही आप लोग, मतलब टीचर के साथ ही आप लोग झूठ बोलेंगे, टीचर मुझे सबक याद है, लेकिन आपको नहीं याद होगा, जब फिर मुझे आप पे यकीन नहीं होगा। आपको जिस दिन याद होगा उस दिन भी आप बोलेंगे याद है, तो मुझे यकीन नहीं आएगा कि आप लोग आपको याद है, जब तक मैं सुनूंगी नहीं। ठीक है, ऐसे ना बंदा अपना एतमाद खो देता है। तो सच बोल के, प्रॉमिस को पूरा करके, इन सारी चीज़ों की वजह से ही हम लोग एतमाद हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी सच बोला करेंगे। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यहाँ तक आप लोग आज की डेट लगा लें, यहाँ तक, यहाँ से लेके ये आप लोग आज इसकी रीडिंग करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।